अरे भाई अरुण, हेलो गेरवाल साहब। हेलो, हमें तुमसे बहुत शिकायत है। मुझसे? कहिए। आओ भाई, हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट ने कई बार ये कोशिश की है कभी कभार कोई मुकदमा तो तुम सरकार की तरफ से लड़ो, मगर एक तुम हो कि तुम्हें सरकारी वकील बनने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। गेरवाल साहब, मैं वकील बना हूं लोगों को बचाने की, उन्हें सजा दिलवाने के लिए नहीं। अच्छा ठीक है भाई, तुमसे बहस में तो कोई जीत सकता नहीं। चलिए साहब। अरे अरे, जरा हमारे साथ भी तो बैठो। आओ। अरे ठकराल, इस नौजवान से तो मिले हो तुम। ये तुम्हारे मैदान का खिलाड़ी है अरुण वर्मा। अरुण वर्मा, हेलो, नाम तो सुना हुआ है, लगता है कि आपको कहीं देखा भी है। जिस वकील को आपने डॉक्टर आशा माथुर का मुकदमा लड़ते देखा था वो मैं था। ओ आई सी, काफी इंटरेस्टिंग केस था। दरअसल बात यह है कि इतने लोगों से मिलना जुलना रहता है कि सारे चेहरे याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, मुझे तो सब याद है ठकराल साहब। हाँ भाई, ठकराल द ग्रेट को कौन भूल सकता है। क्या, कम से कम मैं तो नहीं भूल सकता। आपकी मोहब्बत है जो ऐसा कह रहे हैं। खन्ना साहब, आपने तो चाल चली ही नहीं। क्या चाल चलाऊं ठकराल साहब, लगता है दूसरी बाजी भी आप ही जीत गए। माफ कीजिए खन्ना साहब, ठकराल साहब की पोजीशन मजबूत जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। ये बात है, लीजिए मैं हट जाता हूँ, आप ही आ जाइए। इजाजत है। जरूर लीजिए। दो वकीलों के दिमाग टकरा रहे हैं, देखें इस खेल में कौन क्या चाल चलता है। अरे नहीं गरेवाल साहब, ये खेल बराबर का नहीं। मिस्टर अरुण वर्मा तो अभी अभी आए हैं और बाजी तो पहले से ही मेरे कब्जे में है, इन बेचारों के पास चाल चलने की जगह ही कहां है। ठहराल साहब, जब खिलाड़ी बहुत अच्छी पोजीशन में होता है तो उसे अपने आप पर इतना यकीन हो जाता है कि वो देख नहीं पाता कि कहीं किसी दूसरे कोने में उसने खाना खाली छोड़ दिया है और वही वो मार खाता है। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी चाल चली। मगर जो खिलाड़ी अच्छी पोजीशन में हो वो किसी एक खाने की हिफाजत तो किसी वक्त भी कर सकता है अरुण वर्मा साहब। जरूर कर सकता है, लेकिन उस खाने को बचाने के लिए उसे अपनी थोड़ी सी ताकत दूसरी तरफ लानी पड़ती है और इसी वजह से वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और वह जब कमजोर हो जाता है तो उसे हराया जा सकता है। देखिए, इस वजीर को बचाने के लिए आपने अपना बादशाह खुला छोड़ दिया, ये चेक एंड मेट। ठकराल साहब, ये बाजी तो आप हार गए। कोई बात नहीं, ये कोई आखिरी बाजी थोड़े ही है। हाँ ये तो है। ठकराल साहब, अब ज्यादा यकीन और लापरवाही से काम मत लीजिएगा। गुड बाय फ्रेंड्स। बाय। आजकल के नौजवानों को कमजोर ना समझो ठकराल। इंटरेस्टिंग। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे यह हुक्म दिया कि आज मैं वकील होने के नाते अपनी राय पेश करूं कि कानून में कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सजाए मौत होनी चाहिए कि नहीं। कुछ जज्बाती लोग कहते हैं कि सजाए मौत खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन जज्बात हमेशा सच्चाई से दूर होते हैं, ऐसा मेरा विश्वास रहा है। मैं हमेशा सजाए मौत का जबरदस्त तरफदार रहा हूं और इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने 75 सबूत पेश कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी वकालत के इस लंबे कैरियर में आज तक 75 लोगों को फांसी की सजा दिलवाई है। मैं आपसे <आ,
इस शहर के इज्जतदार लोगों, ठकराल साहब ने अपने बहुत से बड़े कारनामों को बहुत छोटा करके बताया, और यही है इनका बड़ापन। कौन कहता है कि ठकराल साहब ने सिर्फ 75 लोगों को फांसी दिलवाई? गलत, बिल्कुल गलत। उनकी गिनती 75 से बहुत ज्यादा है, इसलिए कि हर एक आदमी के साथ कई लोग होते हैं फांसी के तख्ते पर। कोई अकेला नहीं होता फांसी के तख्ते पर, उसके साथ उस फंदे पर दम तोड़ता है उसकी बीवी का सुहाग, उसके बच्चों का भविष्य, उसके घर में बसने वाली एक एक खुशी, उसके आंगन में उतरने वाली एक एक किरण, सबको एक साथ फांसी हो जाती है। ठकराल साहब ने 75 आदमियों को नहीं, 75 परिवारों को फांसी दिलवाई, और यही है इनका बड़ापन, यही है। शहर के इज्जतदार लोगों, ठकराल साहब बहुत बड़े दिल के आदमी, इन्होंने मुजरिम और निर्दोष को हमेशा एक आंख से देखा, कभी किसी में फर्क नहीं किया, और जो गर्दन हाथ में आई उसे फांसी का फंदा पहनाए बिना वापस ले भेजा। और देख लीजिए, देख लीजिए, 75 लाशों पे खड़ा हुआ ये ठकराल कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है, कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है। मगर मेरी एक बात याद रखना ठकराल, एक बात, बेगुनाहों का खून पलटकर अपने कातिल के दामन पर आता है, और वो खून तुमसे तुम्हारे जुल्मों का हिसाब लेगा ठकराल, और वो हिसाब मैं तुमसे लूंगा। चलो, मैं तुमसे लूंगा ठकराल। अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से कोई नहीं बचा सकता। ठकराल साहब, उस फंक्शन में अरुण वर्मा ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, आपका सिर्फ एक इशारा चाहिए, अरुण वर्मा की लाश का पता नहीं चला। अंकल, आप कहें तो अरुण वर्मा को। नहीं बेटे, वकीलों की जंग अदालत में होती है, एक बार अरुण का केस मेरे सामने फंसने दो, फिर मैं उसे मजा चुकाता हूँ। उसका इंजाम भी हो जाएगा। वो कैसे? मैंने एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीदा है जिस पर बरसों से गरीबों ने बस्ती बसाई हुई है, उस प्लॉट को खाली करवाना है। वो हो जाएगा, लेकिन इसका अरुण वर्मा के साथ क्या ताल्लुक? अरुण वर्मा उस बस्ती वालों का वकील है। ओ, आई सी। तो समझ लीजिए जागा साहब, आपका काम हो गया। इससे पहले कि मेरे आदमी मकान और झोपड़े तोड़ना शुरू करें, अगर आप कोर्ट की तरफ से दिए गए ये जमीन खाली करवाने के ऑर्डर्स देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिस्टर अरुण वर्मा, आपने अपनी पहली मुलाकात में मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब खिलाड़ी बहुत अच्छी पोजीशन में होता है तो वो देख नहीं पाता कि उसने कहीं किसी दूसरी जगह एक खाना खाली छोड़ दिया है। माफ करना भाइयों, अगर आपके ये बुद्धिमान वकील साहब चाहते तो मेरे ऑर्डर्स को रुकवाने के लिए कोर्ट से एक दूसरा ऑर्डर ले सकते थे, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है क्योंकि कोर्ट 3 दिन के लिए बंद है। सॉरी मिस्टर अरुण वर्मा, इस बार आपने खाना खाली छोड़ दिया। बात खाने की नहीं है ठकराल साहब, इस करीब खाने की है। करीब के खाने में पांव मत रखो ठकराल, क्योंकि जब गरीब का दिल रो उठता है तो अपने होश खो बैठता है, तो फिर तुम्हारे जैसे 75 ठकरालों के लिए एक करीब काफी होता है, सिर्फ एक। ठकराल साहब, इस आदमी को जानते हैं आप? मंगल, और ये मुन्नू, मंगल का बेटा।
मुन्नो मुन्नो बेटे, ये ठकराल अंकल हैं, बहुत बड़े वकील हैं, ये तुम लोगों के झोपड़े तोड़ने आए। देखो बेटे, इसका जवाब तुम ही दे सकते हो। ये जो कोर्ट के पेपर्स है ना तुम्हारे हाथ में, जाओ और इन्हें जाकर दिखा दो। जा बेटा, शाबाश। ठकराल साहब, क्या है इस ऑर्डर में? जी हां, ये कोर्ट के ऑर्डर्स मैंने कल शाम को ही ले लिए थे। मैंने अपनी पहली मुलाकात में एक बात और भी कही थी कि आइंदा ज्यादा यकीन और लापरवाही से काम मत लीजिएगा, और ये वादा भूल गए। चाहिए ठकराल साहब, आपकी कारें आपका इंतजार कर रही हैं। ठगा साहब चलिए। मगर कोर्ट ने तो हमें ऑर्डर दिया था। ठगा साहब, ये कानूनी बातें हैं, बाद में समझाऊंगा आपको, अभी कुछ नहीं हो सकता। चलिए चलिए ना। आओ विकी, आओ, वेलकम डार्लिंग। उस हरामजादे दो टके के वकील ने भरी बस्ती में मेरे डैडी की इंसल्ट कर दी, और तुम दोस्त लोग खड़े मुंह ताकते रह गए। हरगिज नहीं, हमें तो तुम्हारे डैडी ने रोक लिया था विकी। वरना विकी के दुश्मन अक्सर घरों में नहीं अस्पतालों में पड़े मिलते हैं, और इस बार मिस्टर अरुण वर्मा साहब का भी अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ गीता, अरुण बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? वो बोरेवली टेलीफोन बूथ से। माथुर साहब कहाँ हैं? वो बाथरूम में हैं। उनसे कहना थोड़ी देर घर पे आ जाएं, माँ को समझाना था कि वो अरुण अरुण की आंखों में पट्टी कैसे बांधी जाती है। मिस्टर अरुण वर्मा, पहचान सकते हो कौन आदमी है? बता दो पुलिस स्टेशन जाकर ये कौन है, हम देख रहे हो ना। अकाल से दुश्मनी का यही जवाब है। अरुण, ये कौन सी आवाज है? अरुण, ये क्या हो रहा है? मार मार मार, ठंडा नहीं करना, और नहीं करना। जीजा जी प्लीज जल्दी आइए ना, जरा देखिए तो क्या हो रहा है। एक दो साले को किसी अस्पताल के सामने